रानी आपका नाम भी रानी ही था कि मतलब फिल्मों में आने के बाद हुआ रानी आपका? नहीं, मेरा नाम भी चेंज है। अच्छा, सब बहरूपी इकट्ठा हुए हैं। सर पहली ही फिल्म इन्होंने किया था मनोज भैया के साथ। अच्छा, ससुरा बड़ा पैसा वाला। ससुरा, अरे वाह, ससुरा बड़ा पैसा वाला। उस फिल्म की हीरोइन यही थी। वाह। और पहली फिल्म से ही इन्होंने यूपी बिहार पे राज किया। क्या बात। और इसलिए इनको रानी कहा गया। थैंक यू। अमरपाली, आपका नाम भी अमरपाली है? नहीं, मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ, तीन लोग तो मुझे मिल गए। आप शुरू से अमरपाली थी? हाँ, मेरे घर वालों को शायद मेरे पैदा होते ही पता चल गया था कि हीरोइन ही बनेगी। अच्छा। तो पहले ही ऐसा डिफिकल्ट नाम रख दिया मेरा। अच्छा। अलग सा नाम आम्रपाली, जिसे स्कूल में सब पता नहीं क्या क्या बुलाते थे, आम वाली एंड ऑल ऑफ दैट। अभी अभी इनका एक नया नाम भी पड़ा है। क्या? अभी हम लोग फिल्म किए जिगर वाला। जिगर वाला, तो जिगर वाला में ये हैदराबाद से आती है पटना में। अच्छा। और वहां की लड़कियों को लेके छुप के बीड़ी पीती हैं। अच्छा, तो यूपी बिहार ने इनका नाम रख दिया धूम्रपाली। आइए, आप तो इतनी मजेदार बातें करते हैं, आज सारी रात बातें करेंगे। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको पता है निरहुआ जी, यहाँ पे मुंबई से हमारे बहुत सारे भाई जो है, जो रिक्शा चालक है, यहाँ पे आज आपके लिए आए हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा खेसारी जी, आपके बारे में सुना हम, आप जब स्टार नहीं थे तो उससे पहले आप लिट्टी चोखा बेचते थे? उससे पहले हम दूध बेचते थे। भैंस के। भैंस का दूध। यार बड़ी स्ट्रगल वाली कहानी है, मतलब खुशी होती मन को कि आपने कहां से उठ के शुरुआत करी और आज आप सुपरस्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो कैसे खेसारी जी, कैसे शुरू हुआ फिर? तो मैं बहुत छोटा था तो रबड़ वाला पैंट पहनता था। हमारी अंग्रेजी थोड़ा हैवी है इसलिए सॉरी। तो फिर तो मैं जैसे एक लीटर दूध लेके जाता था तो उसमें दो पौवा पानी मिलाता था। मिलावट वाला दूध बेचते थे? नहीं, बात तो नहीं था, 10 रुपया मुझे भी तो चुराना था। कैसे 10 रुपए क्यों चुराते थे? मतलब 10 रुपए मेरे लिए उस वक्त बहुत थे। अच्छा। तो 10 रुपए मिलता था तो भादो के मेला में जाता था। अच्छा। और जिलेबी खाता था। अच्छा। और फोफिया मिठाई खाता था। इनका पाजी वो जो दूध में पानी मिलाने वाला था, हाँ, उसमें एक कमाल का किस्सा था। एक बार ये पानी घर से मिलाना भूल गए। अच्छा। रास्ते में इनको याद आया। अच्छा। चाहिए। पानी तो मिलाया नहीं। अच्छा। अब क्या करूं, अब जो दूध का डब्बा था, तो एक हम लोग के गांव में पोखरा होता है जैसे तालाब। अच्छा जी। हाँ। वहां साइकिल खड़ा किए, अपना डब्बा खोले और पोखरा में इधर उधर देके डब 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 भर लिए, भर के उसको बंद करके पहुंच गए बाजार में। सुबह सुबह एक औरत निकली, बोली अरे खेसारी जी थोड़ा 2 रुपये का दूध दीजिए। अब ये जैसे ही दूध देने गए तो उसमें छोटी सी एक मेढक का बच्चा कूद गया। वो जैसे मेढक का बच्चा कूदा, हाँ, वो जो है दूध फेंक के भागे, क्या कर रहे हो, ये कैसा दूध है, इसमें से मेढक का बच्चा कूद रहा है। तो ये बोले कि 2 रुपए का दूध लोगी, मेढक का बच्चा नहीं तो हाथी का बच्चा कूदेगा। मैं एक्चुअली मैं भेज वालों के लिए दूध दे रहा था, नॉन भेज वालों के लिए मेढक लेके गया था। निरहुआ, हमने आपके बारे में सुना कि बचपन में निरहुआ को फिल्में देखने का इतना शौक था कि उनके पिताजी सो रहे होते तो उनके ऊपर चद्दर डाल के रात को फिल्म देखने चले जाते। सही बात है? जी जी बिल्कुल। यूपी बिहार में रात को कौन सी फिल्म देखने जाते थे आप? बताना पड़ेगा, बताइए सर क्या होता था जी। कि गांव में कहीं बारात आई है। अच्छा। तो पहले वहां ना वीडियो चलता था। हाँ। कैसेट, वो वीसीआर में। हाँ जी। तो हम लोगों को पता चल जाता था कि यहाँ बारात आई है तो कोई ना कोई फिल्म आई होगी। अच्छा। तो हम लोग तैयारी करते थे और देखते थे, घर वाले जो है सो गए। अच्छा। तो हम जहाँ सोए हैं वहां तकिया रख के उसके ऊपर चद्दर वद्दर ओढ़ा के और निकल लेते थे। अच्छा। और फिल्म देख के सुबह आके हम लोग सो गए और पिताजी सुबह सुबह उठे, बोले उठ जाओ, कब तक सो रहा है, उनको मालूम नहीं अभी आके सोया है। अच्छा। और
चूंकि पिताजी के साथ हम लोग अकेले रहते थे, अच्छा जी, तो पिताजी ने दाल वाल चढ़ा दिया और सब मसाला वसाला डाल दिया और उन्हें कहा कि इसको ना पक जाए तो उतार देना। तो हम भी नींद में सही बोल रहे हैं, हाँ उतार देंगे। वो अपना चले गए खेतों में काम करने के लिए, और जब वो लौट के आए तो हम तो सोए हैं, दाल जल के एकदम राख हो चुकी है। अच्छा। उसके बाद पिताजी मोटा सा डंडा उठाते थे और दौड़ाना शुरू करते थे और कहते थे कि रतिया भर तो मीना कुमारी क्या रला। Thank you.